इन गरीब लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, मीडिया के लिए कोई कहानी नहीं है। मोदी मोदी और मोदी पाकिस्तान में इमरान और उनके शागिर्दों के दिल में मोदी के नाम का डर इस कदर है कि उनके पसीने छूट रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया तब चर्चा करेगी जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुपारी मिलेगी प्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। पहले से ही देश कोविड-19 के लिए संघर्ष कर रहा है और ये चक्रवात एक और चुनौती है जिसका सामना राज्य कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करने के उपायों और बड़े पैमाने पर निकासी ने अधिकारियों के लिए स्थिति को और अधिक कठिन बना दिया है। चक्रवाती तूफान एम्फन यानी कि साइक्लोन एम्फन ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इस तूफान ने 72 लोगों की जिंदगी छीन ली है। तूफान ने हजारों घरों को तहस नहस भी कर दिया है। बड़ी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, हजारों पेड़ उखड़ गए। तबाही की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पहले आप कुछ ये वीडियोस देखिए। चक्रवाती तूफान एम्फन से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एम्फन का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर है। उन्होंने एम्फन तूफान से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई है। So we have started relief and wave work, but I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government regarding devolution, regarding this food subsidy, regarding this social schemes, central schemes, wherever our money is there. So I said at least you try to give some money to us so that at this crisis, at this hour of crisis we can work. वहीं प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर गए और उन्होंने बंगाल को 1,000 करोड़ देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ीसा को भी 500 करोड़ देने का ऐलान किया गया है, पर ममता बनर्जी ने करीब 1,00,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई थी, पर मिले उन्हें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2,00,000 रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। साइक्लोन का इतना बड़ा संकट और वो भी सुपर साइक्लोन बहुत ही चिंता का विषय था। बंगाल जाते जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहैबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। मेनस्ट्रीम मीडिया में शायद ही आपको इस मुद्दे पर कोई डिबेट देखने को मिले, पर आजाद मीडिया ने इस पर काफी बात की है। HW न्यूज नेटवर्क पर अभिसार शर्मा ने अपने शो में तूफान के बारे में बात की और मीडिया पर सवाल भी खड़े किए। पश्चिम बंगाल आज की तारीख में बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
एक बहुत ही गंभीर साइक्लोन आया है और मृतकों की तादाद 100 तक पहुंच सकती है। यही हाल उड़ीसा का है, मगर पश्चिम बंगाल में हालात बहुत गंभीर हैं और ये जो तस्वीरें मैं आपको लगातार स्क्रीन्स पर दिखा रहा हूं, ये इसकी बानगी है। मगर क्या आप जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया में इसका कोई कवरेज नहीं है? मुख्य धारा की मीडिया में ये लीड नंबर वन होनी चाहिए थी, खबर नंबर वन होनी चाहिए थी, मगर हमने उसे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। राष्ट्रीय मीडिया में आपको बताता हूं कब चर्चा करेगी। राष्ट्रीय मीडिया तब चर्चा करेगी जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुपारी मिलेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए। उससे पहले ये तमाम लोग खामोश रहेंगे, उससे पहले ये लोग कहीं पर भी पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं करने वाले हैं। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपने प्राइम टाइम में तूफान के बाद के हाल बयान किया और तूफान के बाद लोगों को हुए नुकसान पर भी बात की। लेकिन बासंती इलाके की इन तस्वीरों को जिसे आप देख रहे हैं, देखते चलिए। 30,000 से 40,000 कच्चे मकान यहाँ उजड़ गए। इन गरीब लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, मीडिया के लिए कोई कहानी नहीं है। कहानी तो उनके दफ्तरों के पीछे से गुजरते हजारों लाखों मजदूरों की भी नहीं है। इन घरों को बनाने में बरसों लग जाएंगे। पूर्वी मेदिनीपुर में बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में कच्चे घर उजड़े हैं। इस तूफान में 85 लोग मारे गए। और दूसरी तरफ हमारा मीडिया या तो पाकिस्तान में बिजली है या हिंदू मुसलमान में या कांग्रेस पार्टी में। तूफान आने के बाद लोगों को जो नुकसान हुआ, इस पर मीडिया ने कोई डिबेट नहीं की। क्या उन लोगों तक किसी ने मदद पहुंचाई, इस पर भी कोई बात नहीं की। बात की तो उन्हीं मुद्दों पर जिन पर ये अक्सर बात करते हैं। और आज हम खबर लेने वाले हैं पाकिस्तान की। पूरी दुनिया अदृश्य वायरस कोरोना के दुश्मन से लड़ रही है, मगर भारत को एक तरफ जानलेवा कोरोना से देशवासियों को बचाना है तो दूसरी ओर फरेबी पाकिस्तान की चालों का मुंह तोड़ जवाब भी देना है। क्योंकि जो पाकिस्तान जंग के मैदान में नहीं जीत पाया, वो कश्मीर पर फरेबी चाले चल रहा है। मोदी और मोदी पाकिस्तान में इमरान और उनके शागिर्दों के दिल में मोदी के नाम का डर इस कदर है कि उनके पसीने छूट रहे हैं। कि क्या भारत के डर में पीओके को पाकिस्तान ने पीओके पर सरेंडर कर दिया है? क्या पाकिस्तान को इस्लामाबाद खोने के डर है, डर से इसलिए पीओके को भारत का हिस्सा बना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या हंडवाड़ा के बाद भारत के हमले से पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। मुझे लगता है ये पहली दफा होगा जब ईद इस तेवर इस कलेवर में मनाएंगे। कोरोना के इस काल में वायरस के खतरे की वजह से भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में धार्मिक स्थल बंद है। यहां तक कि सऊदी अरब में 25 मई से 27 मई तक 5 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की मांग है या हिंदुस्तान में कि ईद के मौके पर नमाज के लिए मस्जिदों और ईदगाहों को घंटे भर के लिए खोल दिया जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से मिलकर तूफान में फंसे और घायल लोगों की मदद करे और तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करने में भी मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।